दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज समाचार देखने को मिलेगा कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आने वाली है। हर्षवर्धन बुरी तरह से भड़क जाता है और वहाँ पर घर में भी कोई छोटी मोटी सी आग लग जाती है, जिसमें अभिमन्यु को हर्षवर्धन कहता है अभी तो घर में थोड़ी सी आग लगी है, देखना वो उसके आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अभिमन्यु साफ कह देता है कि वो शादी में इन्वाइटेड नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है और मंजरी उस पर भड़कते नजर आती है और कहती है, और अक्षरा का फोन आता है तो वो डिस्कनेक्ट करके कहती है कि थोड़ी देर बाद में बात करें, वो मुझसे अर्जेंट बात कर रहा है। अक्षरा घबरा जाती है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है और आरोही भी उसे यही कहती है कुछ तो ज़रूर बड़ा होता है। और मनीष और स्वर्णा दोनों, मनीष भी बहुत घबराया हुआ है कि पता नहीं वो उन लोगों का क्या फैसला होगा। वहीं अक्षरा अभिमन्यु पर बहुत बुरी तरह से मंजरी उसे डांटते नजर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता नहीं आएंगे तो तुम्हारी माँ तो आएगी तुम्हारी शादी में। और वो उस पर भड़कते नजर आती है कि रिश्तों को अगर शादी करनी है तो रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जिसके बाद यहाँ पर नील आकर बताता है कि हर्षवर्धन अंकल और हर्ष को दिखाया जाता है जो कि नशे में सड़कों पर घूम रहा होता है और अभिमन्यु से और अक्षरा से काफ़ी नाराज है। उन्होंने नशे में ही वो काफ़ी कुछ कह रहा होता है तो देखने को मिलता है कि अभिमन्यु सभी यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और हर्षवर्धन के साथ में बिजली के खंभे के पास यहाँ तारों को टच करने वाला होता है और उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है और अभिमन्यु उसे जाकर बचाता है। और नशे में हर्षवर्धन उसके सामने अपना प्यार जताते नजर आता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसको वो उससे क्यों नफरत करता है। और अपने पापा का इस तरह से प्यार देकर कहीं ना कहीं अभिमन्यु भी इमोशनल हो रहा होता है। लेकिन फिर हर्षवर्धन कह देता है कि लेकिन वो अक्सर से मैं बहुत नफरत करता हूँ और इस बात पर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो उसे संभाल कर घर लेकर जाता है और सबकी तसल्ली हो जाती है कि उसको कुछ नहीं हुआ। तो वहीं देखने को मिलता है कि अक्षरा उसे कॉल करने की कोशिश करती है अभिमन्यु को, लेकिन अब यहाँ पर वो वीडियो कॉल करता है और वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती और वो सामने फेस टू फेस ही बात करेगी और दोनों ही यहाँ पर गाना गाते गाते सो जाते हैं और ये सब कुछ देखकर आरोही को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं देखने को मिलने वाला है अब आने वाले एपिसोड में कि हर्षवर्धन उस पर अक्षरा को सब कुछ बता देता है कि उसने अभिमन्यु ने उसको शादी में आने के लिए मना कर दिया और अक्षरा और अभिमन्यु के लेकर इस बात को लेकर झगड़ा होने वाला है और अक्षरा अब शर्त रखते नजर आएगी कि जब तक उसकी मम्मी पापा नहीं आएंगे वो उससे शादी नहीं करेगी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अक्षरा ही अभिमन्यु और हर्षवर्धन के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश करने वाली है। अब देखते हैं कि अक्षरा हर्षवर्धन का दिल शादी से पहले जीत पाएगी या नहीं।